प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टो प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे जग से कैसा। तो गाइस फाइनली चल चुके हैं और ये है राजकुमार, ये है नवीन और मेरे को तो आप जानते ही हो। और अभी हम है गुड़गांव से चले हैं केएमपी जो एक्सप्रेसवे है उस पे है और यहाँ पे जाम लगा हुआ है और बस करीब एक घंटा हो गया हमें यहाँ से चले हुए और आपको पूरा रास्ता दिखाते रहेंगे हम, आगे क्या क्या आता है वो सब बताएंगे। तो ये हमारा जो शिमला का टूर है उसका व्लॉग वन है, इसको लाइक करना शेयर करना यार। और अभी हम चले हैं गुड़गांव से तो अब शिमला पहुंचेंगे, तो शिमला में इस व्लॉग को एंड करेंगे और फिर शिमला में नया व्लॉग शुरू करेंगे सेकंड नंबर का। तो तब तक के लिए बने रहिए आप, चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों रास्ते के अंदर आ गए हैं, आप पीछे देख सकते हैं हाईवे है, इसी हाईवे से हम जा रहे हैं अभी शिमला की तरफ और यहाँ जाम लगा हुआ है। यहाँ पे रुके थे हमने सीएनजी भरवाई इस पंप पे अभी, क्योंकि आगे पता नहीं अभी सीएनजी मिले ना मिले और जहाँ तक जा पाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएनजी से जाएं ताकि थोड़ा सा कॉस्ट जो है अपनी व्लॉगिंग की वो थोड़ी कम लगे। और ऐसे करके हम जहाँ जहाँ सीएनजी मिलेगी हम फिल अप करवाते चलेंगे और लास्ट में तो आगे पेट्रोल से जाना ही है। तो आप देख सकते हैं इसी हाईवे से अभी चलते हैं आगे और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। आगे और कितने टोल टैक्स आते हैं वो भी आप सबको बताएंगे। फिलहाल तो ये पर्ची आ गई है हाथ में हमारे, देखते हैं आगे। रात के 2 बज गए हैं दोस्तों और यहाँ पे ढाबा है पंजाबी ओदा ढाबा, अब खाना खाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई चलते चलते, तो खाना खा के और फिर बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या क्या आता है वो सब आपको दिखाएंगे।
दोस्तों खाना खाने के बाद फिर बढ़ लिए मंजिल की ओर, और ये आप रास्ते का जो सीन देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ का सारा सीन दिखाते रहेंगे। और बने रहिए इस वीडियो के अंदर, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना अगर आप पूरा रास्ता देखना चाहते हैं तो। दोस्तों शिमला के ना बिल्कुल करीब आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं प्यारी प्यारी वादियाँ, और एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ बिल्कुल ही खाई टाइप का है, पूरी तरह खाई नहीं कह सकते क्योंकि नीचे लोग रहते हैं, लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। और ये इस तरह के रोड से अब हम पहुंच रहे हैं, बस शिमला यहाँ से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर दूर रह गया है। दोस्तों शिमला के बिल्कुल करीब आ गए हैं और धूप निकल गई है बहुत ज़बरदस्त, और आप देख रहे हैं जब यहाँ पे जो है ना धूप निकलती है ना तो कितना एकदम गोल्डन कलर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा होता है उस वक्त का जब यहाँ पे सनराइज होता है। हालांकि सनसेट के समय भी बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है तो वो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी सनराइज हुआ है और सनराइज के समय आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पे गोल्डन ही गोल्डन कलर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे हम फील कर रहे हैं इस टाइम, पता नहीं कैमरे में आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे सुबह का है। आप देखिए चारों तरफ जो है ना बिल्कुल गोल्डन कलर आपको नज़र आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे शिमला की तरफ, और क्योंकि 2-3 किलोमीटर यहाँ से शिमला रह गया है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच ही गए हैं शिमला, और ये सुंदर सुंदर वादियाँ बिल्कुल शिमला के बाहर से हम यहाँ पे शूट करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, मन को ना इतना सुकून मिलता है। और जैसे जैसे हम आए हैं आपको हमने सब कुछ यहाँ पे बताया है, और अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है इस वीडियो के अंदर, तो इसको लास्ट तक देखना, और इसको लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर करना यार, और शेयर भी करना। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, जब भी आप आओ तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना है ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो।
दोस्तों बहुत ही प्यारा नज़ारा है और अभी बढ़ रहे हैं शिमला शहर की तरफ। आप देख सकते हैं सामने जो है ना पहाड़ के ऊपर, आप देख रहे हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा है पूरे पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं। पूरा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शहर ही ऊपर उठ गया हो आकाश के अंदर। बहुत ही शानदार नज़ारा है यार। यहाँ पे देखिए घर, देखिए आप कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं लोग। और यहाँ के लोगों की ना दिनचर्या ही ऐसी होती है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ही, और रोड जो है ना बहुत घुमावदार है दोस्तों। हर आपको 100 मीटर 50 मीटर के ऊपर आपको पूरा मूव करना पड़ेगा, गाड़ी को एकदम से टर्न करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार जगह में अब इस टाइम प्रवेश कर चुके हैं हम। फाइनली गाइज पहुंच गए हैं और काफ़ी समय हो गया है। और यहाँ मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, पूरे पहाड़ और वो उधर जो है पूरा स्नो के पहाड़ हैं। और यहाँ पे भी कुछ स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे ताज़ा। और अभी आपने ये जो व्लॉग देखा इसके अंदर हमने गुड़गांव से लेके शिमला तक का पूरा कवर किया। और अब हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब हम अगला व्लॉग यहाँ पे डालेंगे जो कि यहाँ के स्पेशल होंगे, कुफरी के, नारकंडा के और शिमला के। तो उम्मीद करते हैं वो व्लॉग भी आपको पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।